हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 16 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो ये करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अब यहाँ बताया गया क्या आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा, अगर तो कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन, तो स्वीडन में किया गया और स्वीडन का राजधानी कहाँ पे, इसको स्टॉकहोम में, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे एक टर्म आया यूरोपीय संघ, तो ये तो कोई यूरोपीय संघ जो यूनियन है ईयू, इसमें टोटल कितने कंट्री है, 27 कंट्री है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में, क्लियर है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये कहाँ पे, पेरिस फ्रांस, फ्रांस में है, क्लियर है। और ये यूरोपीय संघ का ही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये थी आज की फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से है। अभी जस्ट 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी, उसमें आर बोनी ग्रेबियल का, आर बोनी ग्रेबियल जिसने विनिंग किया है, तो इसका जो ये किस देश से संबंधित है, तो ये यूएसए के हैं, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये मिस यूनिवर्स 2022 की बनी है, कौन, आर बोनी ग्रेबियल। तो ये थी 71वीं नंबर की। इनसे पहले 17वीं नंबर की जो थी मिस यूनिवर्स वो कौन थी, हरनास सिंधु, ये हमारे इंडियन ही थे, भारतीय ही थे, कौन थे, हरनास सिंधु, कहाँ के थे, ये चंडीगढ़ के थे। तो भारत में अब तक जो मिस यूनिवर्स जीतने वाली कितने थी, अब तक 3 आलोक जीत चुके हैं ये मिस यूनिवर्स, कौन कौन जीती हैं, सुष्मिता सेन 1994 में, सेकेंड कौन जीती थी, लारा दत्ता 2000 में, और थर्ड कौन जीते हैं, हरनास सिंधु 2021 में, और 2022 में भी यूएसए की कौन जीती हैं, आर बोनी ग्रेबियल। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये थी आज की सेकेंड न्यूज। आज की थर्ड न्यूज है और इम्पोर्टेंट है, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य है। अभी एक राज्य संविधान साक्षरता अभियान मना रहा है, ये कौन सा राज्य है, केरल है। तो ये केरल के कौन से जिले में मनाया जा रहा है, कोल्लम जिला, ये भी आप लोग ध्यान रखते हो। तो कौन सा जिला, कोल्लम जिला। अब तो कोई आप संविधान साक्षरता में इसमें क्या जाएगा, ये संविधान साक्षरता अभियान जो है इसमें प्रस्तावना हुआ, प्रेम्बल हुआ, मौलिक अधिकार हुआ, फंडामेंटल राइट हुआ, DPSP हुआ, जिस मौलिक कर्त। तो अब इस तरीके से इन तीनों पे क्या किया जाएगा, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, संविधान साक्षरता अभियान लगाया जाएगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और DPSP पे। अब यहाँ पे संविधान आया, तो संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 नवंबर को, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। संविधान में और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आप लर्न रख सकते हो, अनुसूची संविधान में कितने हैं, 12 अनुसूची हैं। संविधान संशोधन कितने अब तक हो चुके हैं, 105 संविधान संशोधन अब तक हो चुका है, क्लियर है। और संविधान सभा की पहली मांग कब किया, कब किसने किया था, MN रॉय, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये आज की थर्ड थी। नेक्स्ट न्यूज है, आज की नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए नवराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे नवराज पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, और ये कौन है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे स्टार्टअप आई है, तो स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो फर्स्ट टाइम ही 2016 मनाया गया था, और स्टार्टअप डे कब है, 16 जनवरी को, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आज की फिफ्थ न्यूज, स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। अब यहाँ पे स्टार्टअप फॉर्म के द्वारा IG ड्रोन्स को विकसित किया गया, और ये कैसा 5G सक्षम ड्रोन है, तो इसके द्वारा विकसित किया गया स्काई वॉक, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब इसमें किसके द्वारा, ये स्टार्टअप फॉर्म के द्वारा IG ड्रोन्स को यहाँ पे डेवलप किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये थी आज की फिफ्थ न्यूज। आज की सिक्स न्यूज है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए कौन सी घोषणा की गई है। अब यहाँ पे है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन, अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में, क्लियर है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा आरोग्य मैत्री को बढ़ावा दिया गया है, आरोग्य मैत्री को, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और आज की सेवंथ और लास्ट न्यूज है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विकसित विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभी जखमोला को तैनात किया गया। अब यहाँ पे है BRO, सीमा सड़क संगठन,
अब इसके द्वारा कैप्टन सुरभि जखमेला को तैनात किया गया, ये पहली महिला ऑफिसर्स हैं। ये कौन से देश में इसके लिए विदेश देश में ये असाइनमेंट चल रही है? भूटान में। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो कहाँ पे? भूटान में। और सीमा सड़क संगठन की बात हो रही है तो सीमा सड़क संगठन में बीआरओ कब एस्टेब्लिश हुआ था? बीआरओ 1960 में। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। और इसके मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंदर आते हैं? ये रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आते हैं। अब ये भूटान में क्या जा रहा है, कौन सा सड़क निर्माण किया जा रहा है? तो इसमें इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया? प्रोजेक्ट दंतक नाम दिया गया है। क्लियर है? और इसके लिए जो महिला ऑफिसर ये क्या गया नॉमिनेट, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया गया, किसको? कैप्टन सुरभि जखमेला को। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। और ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पिन करके बताओगे। इस तरीके से आपकी डेली करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में 5 to 10 मिनट में कवर हो जाएगी। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी क्लास की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। टेक केयर एंड बाय बाय।